भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंच चुके हैं। डोकलाम पर संघर्ष भी खत्म हो चुका है। चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने मुस्कुराते हुए भारत के पीएम का स्वागत किया। दोनों ही नेता काफी देर तक एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते रहे, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुस्कुराहट और स्वागत भारत चीन के रिश्तों को एक नई गर्माहट देने वाली है। ब्रिक्स सम्मेलन में वैसे तो बातचीत के कई मुद्दे रहने वाले हैं। सबसे गर्मागर्म मुद्दा तो नॉर्थ कोरिया के हाइड्रोजन बम परीक्षण का होगा, लेकिन भारत के लिए एक अहम सवाल और भी है, और वो ये है कि क्या मोदी की यात्रा से चीन बदल जाएगा। चीन हमेशा अपने अड़ियल और अवसरवादी रुख के लिए जाना जाता है। ब्रिक्स सम्मेलन अच्छे से हो, भारत के प्रधानमंत्री चीन आए और ब्रिक्स में चीन की आलोचना न हो, इसलिए चीन ने वक्त रहते डोकलाम की आग पर पानी डालने का काम किया। दोनों देशों की सेनाएं भी बॉर्डर से हट गई, लेकिन क्या मोदी की चीन यात्रा चीन के विस्तारवादी दिमाग को एक विराम देगी? क्या शी जिनपिंग और मोदी की ये मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों को एक नया आयाम दे सकती है? सबको पता है कि डोकलाम तनाव के वक्त चीन ने अपनी सरकारी मीडिया का इस्तेमाल करके भारत को धमकाने और डराने की खूब कोशिश की थी, लेकिन इस बार भारत ने शुरू से लेकर विवाद खत्म होने तक सख्त रुख अपनाए रखा। पहली बार चीन को यह साफ संदेश मिला कि भारत उनकी कटोरी का चाउमीन या मंचूरियन नहीं है, और इसका नतीजा ये देखने को मिला कि ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले चीन के तेवर एकदम नरम पड़ गए। अब प्रधानमंत्री मोदी चीन में पूरी धमक के साथ हैं। चीन भी डोकलाम पर अपनी ऊर्जा खर्च कर भारत से तनाव लेने के बदले भारत से दोस्ती की दिशा में देख रहा है। ऐसे में चीन में मोदी का बिताया गया एक एक लम्हा दोनों देशों के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। चीन को भी पता है कि इस बार भारत से दोस्ती ही उसके लिए मुफीद है। अब ऐसे में देखते हैं कि ब्रिक्स से प्रधानमंत्री चीन के हिसाब से भारत के लिए क्या लेकर आते हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।